तो विद्यार्थियों, इससे पूर्व वीडियो में हमने देखा था कौटिल्य द्वारा राज्य के कार्य क्षेत्र को लेकर जो क्या क्या बातें कौटिल्य अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में उल्लेखित करते हैं, ये हमने तो इसका एक कुछ पार्ट हमने देखे थे, जिसमें मुख्य रूप से रक्षा है, जन कल्याण के कार्य हैं, वृद्धों की सेवा है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनका ध्यान रखना है, समाज में अपराध मुक्त जो समाज की स्थापना है, ये सारे हमने इससे पूर्व वीडियो में देखे हैं। अगली हम बात करें अदर जो कार्य क्षेत्र हैं उसमें क्या क्या लेते हैं, तो अगला जो कार्य है राज्य का वो है पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, ये देखिए सारे वो बिंदु हैं जो कौटिल्य ने उस जमाने में लिए हैं। कौटिल्य कहता है कि प्रकृति है उसमें व्यक्ति सबसे ज्यादा सुरक्षित है, प्राकृतिक जो चीजें होती हैं उनमें व्यक्ति सब ज्यादा सुरक्षित है, इसलिए उसने पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं अर्थशास्त्र में जब आप पढ़ेंगे उसके अध्यायों में आप देखेंगे इसको बहुत ज्यादा प्रमुखता कौटिल्य ने दी। कौटिल्य यहां तक कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति यदि मान लीजिए वृक्ष लगाने का इच्छुक है, तो कौटिल्य कहता है कि उसकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए राज्य को उस व्यक्ति को भूमि का आवंटन बिल्कुल निःशुल्क करना चाहिए, राज्य उसको भूमि दे ताकि वह पर्यावरण के लिए वृक्ष लगा सके, उद्यान है उनकी रचना कर सके। ठीक है, तो इन बेसिक चीजों को ये लेके चलता है। ठीक है ना, तो सामान्य बोल रहे तो पर्यावरण का संरक्षण ये जिम्मेदारी भी किसकी है, ये जिम्मेदारी भी राज्य की कौटिल्य देते हैं। ठीक है ना, तो मुख्य रूप से इन चीजों को वो लेके चलते हैं। अब हम जब अगली बात करें तो उसमें ठीक है, तो अब इस चीज को आप थोड़ा विशेष रूप से ध्यान में रखिए। अगली जो बात है वो आती है नियमित निरीक्षण करते रहना। कौटिल्य एक इस बात पर बड़ा ध्यान देते हैं, वो कहते हैं कि यदि उचित नियंत्रण नहीं है तो सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल असफल साबित होती है। आप कितनी भी योजनाएं बनाएं, यदि उन योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं कर पाते हो, आपने कई योजनाएं आप लोग बनाते हो, उन योजनाओं का जब आप क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं कर पाते हो कि भाई हम इस योजना को बना रहे हैं इसको कितने समय में पूरा करना है, किस गुणवत्ता के साथ पूरा करना है, क्या क्या इसके अंदर करना है, जब तक हम इन चीजों को नहीं बना पाएंगे, इनका निरीक्षण नहीं करेंगे, तब तक वो चीजें सारी बेकार होती है। तो कौटिल्य का भी ये मानना है कि जितनी भी योजनाएं राज्य जन कल्याण के लिए कर रहा है, सुरक्षा के लिए कर रहा है, बाह्य आक्रमणों से बचाव के लिए कर रहा है, ये सारी योजनाएं तभी सफल हो सकती है जब राजा के अधिकारियों और स्वयं राजा द्वारा उनका नियमित निरीक्षण होता हो। और इसके लिए राजा का जब हम देखेंगे कि जब एक अलग वीडियो हम बनाएंगे शासक के कार्य या शासक के दायित्व, एक अलग से वीडियो बनाए, कई बार आपके 10 नंबर का प्रश्न ये पूछ लेते हैं, तो शासक के दायित्व में जब आप देखेंगे कि उसकी दिनचर्या या एक टाइम टेबल उसके लिए वो देता है, सुबह उठने से लेके सायंकालीन जो मतलब 24 दो भाग उसने बांटे हैं दिन और रात के, तो उसमें हर पहर के लिए हर क्षण के लिए राजा को कुछ कार्यों का आवंटन किया है, तो उसमें वह एक कार्य निरीक्षण को मानता है। वो कहता है कि स्वयं राजा निरीक्षण करे, ऐसा नहीं कि केवल कोई दूसरों की बातें सुनता रहे। ठीक है ना, अब हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति है वो अपने अनुसार कहे, तो यहाँ ये मानता है कि जब तक ज्ञान पूरा नहीं है उस समय तक यदि कोई चीज मान लीजिए बिना ज्ञान कोई व्यक्ति दूसरे को सुना रहा है, हम देखते हैं ना उससे समस्याओं का सही रूप सामने नहीं आता है, गलत रूप सामने आता है। बिना ज्ञान के कोई जिसको शास्त्रों में कहा जाता है उसे कचरा कहा जाता है, बिना ज्ञान के कोई चीज आप दूसरे को दे रहे हो और आधे ज्ञान तो कचरा एक दूसरे कान में डाल दिया, दूसरे तीसरे कान में डाल दिया, तो कचरे का एक ढेर हो जाता है, उनसे समाज का उत्थान नहीं होता है, उनसे समाज का विकास नहीं होता है। तो चीजें वही हैं जो वास्तविक हैं, जो वास्तविक ज्ञान से जुड़ी हुई हैं, जिनका ज्ञान स्वयं, तो इसलिए वो राजा को जिम्मेदारी देता है कि राजा समय समय पर राज्य के कार्यों का, राज्य की नीतियों का, राज्य की जो कानून व्यवस्था है उनका स्वयं निरीक्षण करता रहे और लोगों के बीच में जाकर लोगों के दुख दर्द को देखता रहे, ताकि जो कल्याणकारी राज्य का जो अवधारणा है, कल्याणकारी राज्य के जो उद्देश्य हैं वो पूरे हो सके। ठीक है, तो ये एक उसका ये हो गया। अगली जो बात है वो आती है कि वह
विकेंद्रीकृत व्यवस्था की बात करता है। अर्थशास्त्र की यदि हम करें तो राजा विकेंद्रीकृत व्यवस्था की बात करता है अर्थ के क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में राजा की यह जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति है वो धन का केंद्रीयकरण नहीं कर सके। धन का केंद्रीयकरण यदि होता है तो इससे कौटिल्य मानता है कि समाज में विषमता आती है, और जहाँ विषमता आ गई ये समाज में अनेक प्रकार की समस्याओं और अपराधों का कारण बनता है। ठीक है, समझ गया? तो सीधा संबंध किसका हो गया, यदि धन का केंद्रीकरण हो गया, केंद्रीकरण किसका, धन का, भूमि का, कोई मतलब वो चाहे संपत्ति किसी भी स्वरूप में हो, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे वो अचल संपत्ति हो, इन दोनों का यदि आवश्यकता से अधिक केंद्रीयकरण करना शुरू कर दिया हो, ठीक है ना, तो उस स्थिति में विषमता फैलेगी, और विषमता जहां एक बार जिस समाज में आ गई उसके बाद में अनेक प्रकार की समस्याएं और अपराध हैं वो उस समाज में उत्पन्न हो जाते हैं, और वहां कौटिल्य कहता है कि फिर मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं हो इसके लिए आर्थिक क्षेत्र में वह विकेंद्रीकरण की बात करता है। ठीक है, सभी वर्गों के जो आर्थिक हित हैं वो सुरक्षित रह सके, इस प्रकार की व्यवस्था की बात कौटिल्य कहता है। वह कहता है कि राज्य की जिम्मेदारी है, यह राज्य का कार्य है कि वह ऐसा नहीं कि आप देखते हैं हमारे यहाँ भी, आप देखिए अभी धन की विषमताएं बहुत देखने को मिलती है। एक तरफ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, ठीक है, बड़े अभाव में जी रहे हैं। एक तरफ ऐसे लोग मिलेंगे जो आप देखते हैं कई बार कि वो उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति ऐसी पड़ी है, यहाँ ले रहे हैं, वहां ले रहे हैं, वहां ले रहे हैं, तो सारे धन का जो केंद्रीकरण है वो उन लोगों के बीच में होता जाता है, और इससे स्थिति क्या होती है कि एक विशेष जो वर्ग होते हैं या जो कुछ लोग हैं वो लगातार गरीब होते जाते हैं, कुछ लोग ज्यादा अमीर होते जाते हैं। तो एक मध्यम मार्ग होना चाहिए कि न बहुत ज्यादा अमीर हो और न ही कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, बाकी अपना जो कर्म कर रहे हैं वो ठीक है। लेकिन इस स्थिति, ऐसी स्थिति यदि उत्पन्न होती है, ये जो विषमता उत्पन्न होती है, कौटिल्य ने इसका बिल्कुल विरोध किया है और राज्य को यह जिम्मेदारी दी है, राज्य के कार्यों में इस चीज को बांटा है उसने, उसको स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वह राज्य में किसी भी प्रकार से धन का केंद्रीकरण नहीं होने दे, समाज में विषमता की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दे, तथा इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाए जिससे सभी वर्गों के आर्थिक हित सुरक्षित रह सके। और इसके लिए कौटिल्य ने क्या किया है, ये केंद्रीकरण नहीं हो धन का, इसके लिए उसने कई प्रकार के कार्यों की बात की है, बड़ा डिटेल से उसने लिखा है, क्योंकि मैंने बताया कि यहीं से आप देखिए जो अर्थशास्त्र उसने अपने ग्रंथ का नाम लिखा है ना, वो यही है। वो ये कहता है कि जब अर्थशास्त्र बिगड़ता है तो फिर राज्य की व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है, ये उसने मुख्य रूप से माना है। ये कह रहा है कि अर्थशास्त्र और राजनीति इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है, आपस में एक दूसरे के पूरक है। अर्थशास्त्र बिगड़ते ही सामाजिक व्यवस्थाएं बिगड़ती है, राजनीतिक व्यवस्थाएं बिगड़ती है, राज्य में अपराध बढ़ जाते हैं, विषमताएं बढ़ती है, तो सारा ध्यान किसके ऊपर रखना है, अर्थशास्त्र पर रखना है, अर्थव्यवस्था के ऊपर राजा को रखना है। उसके लिए दो चीजें स्पेशली वो बात करता है, एक तो अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, ये प्रयास हमेशा राजा को करते रहना है, हर राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो। जिस राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी वही राज्य आंतरिक और बाह्य दृष्टि से अपने आप को ज्यादा बेहतर सुरक्षित रख पाएगा, ऐसा कौटिल्य का मानना है। दूसरा जो कौटिल्य का मानना है वो ये है कि समाज में विषमता नहीं फैले, ठीक है, और वो कहता है कि हर वर्ग है उसके आर्थिक हित हैं वो सुरक्षित रहे, सभी के, जब सभी वर्गों के आर्थिक हित सुरक्षित रहेंगे उस स्थिति में राज्य में अपराधों में कमियां आपको देखने को मिलेगी। तो कौटिल्य यहाँ इस बात पर भी बल देते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, आर्थिक हितों में समानताएं रहे, इसके लिए राजा को कई प्रयास करने पड़ते हैं, राज्य को कई कार्य करने पड़ते हैं। इसके लिए वह कहता है कि सबसे पहला व्यापारियों पर, व्यापारियों की जो कार्य हैं, ठीक है, व्यापारी अपना व्यवसाय करेंगे लेकिन उनके कार्यों पर कौटिल्य कहते हैं कि एक प्रभावशाली नियंत्रण और उस व्यवसाय को लेकर नियम या अनुशासन ये बने होने चाहिए, ये बनाना राज्य की जिम्मेदारी है, और ये देखना भी राज्य की जिम्मेदारी है कि व्यवसाय से संबंधित जो नियम बने हुए हैं उन नियमों की पालना प्रत्येक व्यापारी करे, उनका उल्लंघन कोई भी नहीं करे। यदि ऐसा करता हुआ पाया जाता है
तो उस स्थिति में कौटिल्य कड़े दंड की व्यवस्था राज्य द्वारा स्थापित करने की बात कहता है कि उस स्थिति में कड़ा दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये कहता है कि जहां आर्थिक असमानता उत्पन्न होनी शुरू हो गई, जहां आर्थिक केंद्रीकरण जहां शुरू हो गया, जहां आर्थिक अपराध शुरू हो गए, उसके बाद में अन्य जो अव्यवस्थाएं हैं वो अपने आप उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। इसीलिए उसने, मैंने बताया ना आपको कि उसने अपने ग्रंथ का नाम क्या रखा था, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के पीछे उसका उद्देश्य यही था कि अर्थशास्त्र यदि सही है, अर्थव्यवस्था यदि किसी राष्ट्र की सही है, तो राजनीति उस राष्ट्र की अपने आप सही होगी। इसलिए राजा का मुख्य दायित्व क्या है, आर्थिक गतिविधियों के संचालन में विशेष रूप से, जिसमें पहला मैंने आपको बताया कि एक तो धन का केंद्रीकरण नहीं होने दे, धन यदि किसी व्यापारी के पास अधिक हो गया, इसका मतलब वो कह रहा है कि राज्य में अपने आप अभाव उत्पन्न हो जाएंगे, विषमताएं उत्पन्न हो जाएंगी, कुछ वर्गों के आर्थिक हित है वो अपने आप प्रभावित होने शुरू हो जाएंगे, तो वहीं से सारे अपराधों की जड़ शुरू हो जाएगी। इसलिए अर्थ को उसने विशेष, इसके ऊपर विशेष नियंत्रण की बात कौटिल्य कहता है। अगला वह कहता है, तो पहला तो व्यापारियों पर नियंत्रण की बात, वो कहता है कि व्यापारियों पर कड़े नियंत्रण हो ताकि वो मिलावट नहीं कर सके, कम नहीं तोल सके, या अन्य जो भी आर्थिक अपराध हैं, जिनका हम अपराधों की जब श्रेणी आएगी तो उसमें देखेंगे, तो अन्य किसी भी प्रकार के अपराध हो। इसीलिए उसने, देखिए इनके लिए उसने दो लोगों को बड़ा इंपॉर्टेंट माना है कि दो व्यक्ति ऐसे होते हैं, दो वर्ग उसने ऐसे माने हैं कि ये यदि अपराध में लिप्त हो जाते हैं तो उस राज्य को फिर कोई भगवान भी नहीं बचा पाता। उस तो दो चीज़ें उसने बताई है, एक तो व्यापारियों द्वारा किया जाने वाला भ्रष्टाचार और दूसरा वो कहता है कि कर्मचारियों द्वारा किया जाने वाला भ्रष्टाचार। ये दो चीजें ऐसी हैं और इसीलिए कौटिल्य क्या अपना अलग से एक बात, जो न्यायालय है जो हम आगे पढ़ेंगे, कंटक शोधन न्यायालय, ये जो कंटक शोधन न्यायालय जिसमें उन्होंने तत्कालिक और तीव्र जो बात करता है वो, तो वो कहता है कि कंटक शोधन न्यायालय तभी उसने स्थापित किया था, इसमें मुख्य रूप से इन वर्गों को लिया था कि जो व्यवसायी जो अपराध करते हैं उनको कंटक शोधन न्यायालय देखे, और दूसरा जो देखिए कंटक शोधन नाम ही आप देखिए, कंटक समझ गए ना आप इस चीज को, तो कंटक मतलब राज्य के सामने सबसे बड़ी विपदा ये उत्पन्न कर सकते हैं यदि ये भ्रष्टाचार करते हैं, यदि ये अपराध करते हैं व्यापारी या कर्मचारी, इनके अपराधों को कौटिल्य कहता है कि एक राजा को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। इनके अपराध होने का सीधा सा अर्थ है आम जन प्रभावित होगा, इनकी प्रतिक्रियाएं होंगी, इन अपराधों से राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। और इसीलिए उसने, अपन बात करेंगे आगे प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, कर्मचारियों के ऊपर भी बहुत तीव्र निरीक्षण, तीव्र कंट्रोल, इनकी बात वह करता है, ठीक है ना। तो विकेंद्रीकृत व्यवस्था में आप इसको समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था के बारे में हम इन चीजों को ये हम देखते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई, दूसरी यदि हम यहां बात करें तो वह कहता है कि कर व्यवस्था है वह उचित होनी चाहिए, ठीक है ना। उचित कर व्यवस्था का आप समझ गए होंगे कि उचित कर व्यवस्था का सीधा सा अर्थ है कि टैक्स है वो इस तरीके से लगाया जाना चाहिए कि कोई भी अत्यधिक जो टैक्स है वो व्यक्ति पे नहीं लगे, लेकिन उचित टैक्स भी उसके ऊपर लगे। और टैक्स का दो ही अर्थ मैंने फिर यहां देखें आपको देखना है कि इस तरह का टैक्स लगे कि लोगों के पास अत्यधिक धन का संग्रह नहीं हो तो लोग अभावग्रस्त भी नहीं रह सके। और विशेष परिस्थितियों में उसने कहा है कि टैक्स पे राजा को जो कर है उनके ऊपर माफी भी, जैसे मान लीजिए कोई बाढ़ आ गई, प्रकोप हो गया या अकाल पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में ऐसा भी नहीं कि कर के प्रति राजा इतना दृढ़ हो जाए कि वह कर ले ही, ऐसी स्थितियों में कौटिल्य कहता है कि वो उन स्थितियों का भी अवलोकन करता रहे, ठीक है। तो ये एक मुख्य रूप से। तीसरी जो बात की है इसके बारे में वह बात करता है, मन में जो कौटिल्य वो करता है सिंचाई और कृषि की। यह कहता है कि किसानों का विशेष रूप से ध्यान हर राज्य रखेगा किसानों के लिए, तो कृषि और सिंचाई की व्यवस्था है ये राज्य द्वारा की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पे कौटिल्य द्वारा एक और व्यवस्था की गई है, वो कहता है कि कृषि का यहाँ सीधा सा अर्थ है कि किसान वही है जो खेती करता है। ये कह रहा है कि जो व्यक्ति अतिरिक्त जमीन पड़ी है, खेती नहीं कर रहा, स्वयं खेती नहीं करता है, तो ये कहता है कि उस व्यक्ति से जमीन है वो ले लेनी चाहिए और उस व्यक्ति को दे देनी चाहिए जो व्यक्ति वास्तव में खेती कर रहा है। ये जो बनावटी किसानों की बात नहीं करता ये, क्योंकि जमींदारी प्रथा का समर्थन नहीं कर रहा है कि एक व्यक्ति के पास खूब जमीन है, वह खुद आराम कर रहा है और लोग खेती कर रहे हैं। ये कहता है कि खेती और कृषि के लिए वही व्यक्ति उस श्रेणी में आएगा जो व्यक्ति स्वयं प्रत्यक्ष रूप से खेती कर रहा है। यदि वो नहीं करता है तो उसकी जमीन उस व्यक्ति को दे देनी चाहिए जो उस जमीन की काश्तकारी
करता है। ये कौटिल्य का एक बहुत प्रभावशाली, जो इसको पढ़ेंगे तो काफी बड़ा नियम है ये, ठीक है ना। तो ये कहता है कि जमीन का वास्तविक हकदार, खेती की जमीन का वास्तविक हकदार वही है जो उस जमीन के ऊपर खेती करता है, काश्त करता है, ठीक है। तो ये व्यवस्था भी कौटिल्य कहता है कि ये भी जिम्मेदारी किसकी है, ये भी राज्य की जिम्मेदारी है कि वह उन उपयुक्त लोगों को ही जमीन का मालिक बनाए जो लोग वास्तव में खेती करते हैं, जो लोग वास्तव में काश्त करते हैं। उसके बाद में कहता है कि जमीनों में सिंचाई की व्यवस्था, इससे संबंधित राज्य को प्लानिंग्स बनानी चाहिए, जितनी भी जमीनें हैं उनको, जो कुएं हैं, जो नदियां हैं, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, जो जल के जितने भी स्रोत हैं उनसे जोड़ने के लिए ये कहता है कि राजा की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है कि वह उनके लिए योजनाएं बनाए, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से राज्य के कुछ और प्रमुख कार्यक्षेत्र हैं, उससे नेक्स्ट कार्यक्षेत्रों की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।